संत शक्ति आंदोलन की प्रमुख साध्वी सरस्वती का कहना है कि जब तक सनातन विरोधी पार्टियां एकजुट होकर सत्ता प्राप्त करने के लिए कार्य करती रहेंगी, तब तक संत एकजुट होकर सनातन का साथ देने वाली सरकार को आशीर्वाद देती रहेंगी। राजधानी में मीडिया से चर्चा के दौरान साध्वी सरस्वती ने कहा कि दशकों बाद एक राजनीतिक पार्टी सनातन के लिए खड़ी हुई है, तो सभी संतों को मिलकर ऐसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। साध्वी सरस्वती ने कहा कि अधर्मी यदि एकजुट हो सकते हैं तो सनातन धर्म के लिए एकजुट क्यों नहीं दिखा सकते। उन्होंने कहा कि संतों की वाणी का प्रभाव पड़ता है, यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने संतों से आह्वान किया है कि वह सनातन की रक्षा के लिए अपने अपने स्तर पर लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। ये भाव ये है कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर के जैसे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ महाराज वशिष्ठ जी की कृपा से और उनके जीवन में आत्री से लेकर के और भरद्वाज जी से लेकर के अगस्त ऋषि से लेकर के कितने संतों का आशीर्वाद हुआ। मैं सदैव कहती हूँ कि संत गद्दी पे भले पहले ना बैठा हो लेकिन संत ने ही सदैव राज्य को चलाया है। संत शक्ति आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य यह है कि भारत के जिन जिन राज्यों में विधर्मी सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में लोग राष्ट्र विरोधी बातें राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं, हम उनकी कुर्सी सहित उनको जड़ से फेंकने के लिए संत समाज सुसज्जित है और समस्त संत समाज अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेगा। जिस प्रकार से मैंने छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी ले ली है उस प्रकार से सभी संत, और ये केवल एक मध्य प्रदेश का आंदोलन नहीं है, पूरे भारतवर्ष का आंदोलन है। और कभी देखो महाराज जी ने कहा विदेश में विरोध नहीं होता, विरोध हमारे घर में हो रहा है तो उन घर के विरोधियों को पहले हम ठीक करेंगे। उखाड़ के फेंकने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारा राष्ट्र कहता है, हमारे पुराण कहते हैं जब वेल नाम का राजा दुष्ट दुराचारी पापी गतिविधियों में शामिल हो जाता है तो हमारे संत ने उसकी दाहिनी भुजा का मंथन करके प्रभु जी महाराज का प्रादुर्भाव किया। तो इस मंच से यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन इस दृष्टि से नहीं कि कोई प्यार से नहीं मानेगा तो ठीक है ठीक है ठीक है राम राम करेंगे, हम वो परंपरा से चलेंगे कि शस्त्र और शास्त्र का समन्वय लेकर के संत भी आगे बढ़ेगा। ये संत शक्ति आंदोलन का